अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मौसम बड़ा बदल रहा है और फोड़ा, फिंसी, ज़ख़म, ख़ारिश, दाद, चंबल वग़ैरह इस तरह की जल्दी बीमारियां जो हैं ये तेज़ी से मसला बन रहा है इनका। तो इसके लिए एक बहुत ही सादा और बेहद मुअस्सर नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं आज। तो इंशाल्लाह ये बनाकर आप ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और अपने जो मरीज़ हैं, हकीम जो हैं हमारे भाई, उनके लिए भी तोहफ़ा है, शरबत बना के रखें, बेहतरीन साफ़ी है। तो इसमें देखें, पत्थर चाट एक होता है, पत्थर चाट ज़ख्म हयात भी उसको कहते हैं। तो ये 200 ग्राम आप ले लें। पोस्त दरख्त नीम, यानी नीम के दरख्त की छील आप ले लें 50 ग्राम, और तुम्बे की जड़ आप ले लें 50 ग्राम, और टाली शीशम, शीशम का आप दरख्त ले लें, इसका भी आप छील ले लें 50 ग्राम, और पोस सरस, यानी जो सरस का एक सरस होता है, दरख्त होता है ये बड़ा प्यारा तो सायादार, उसका भी पोस्त ले लें छील 50 ग्राम ले लें, चीनी 1 किलो ले लें तो शरबत इसका बना लें, यानी सारी चीज़ें भगो दें 2 किलो पानी में, सुबह उसको पकाते पकाते जब एक या आधा किलो रह जाए तो वो आप ना उससे पुन लें, आप पुन के वो चीज़ें साफ़ कर दें और चीनी 1 किलो डालकर पकाएं। जब उसका कवाम बन जाए शरबत का, तो ये शरबत जो है आप 2 चम्मच पानी में मिलाकर 3 दफ़ा दिन में दें। आदशक जो है, होती तो असाबी बीमारी है आदशक, लेकिन फौरन ये इसका हल है, फोड़ा, फिंसी, ख़ारिश और ददरी वगैरह के लिए बेहतरीन ये शरबत है। तो असाबी मरीजों के लिए ये आबे हयात है। तो इस तरह आप करके ये शरबत बनाकर आप फ़ायदा हासिल करें और अपने मरीज़ों को भी दें, आम बंदे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।